मसीम ऐसा स्लम सलाम सलाम पाकिस्तान मैं हॉ कम मिज़बान शाज़ोरी आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर भी ये प्रोग्राम करते हैं जहाँ किस किसी न किसी तरीके से अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे क्रिश्चन कम्यूनिटी के लोग वहाँ पर जाकर उन लोगों की हेल्प कर सकें और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का कि जो हमारे इस प्रोग्राम से लोगों की हेल्प करते हैं मेरे साथ हमारी प्यारी बेटी सारा जैनी गिल मौजूद है आपने ये मेरे प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें हम जब ये हमारी बेटी भी थी तो हम इनके लिए प्रोग्राम करते थे आके और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग थे मुख्य हजरात जो बैरून मुल्क भी और पाकिस्तान से भी उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं फ़ोन भी किए और इस हमारी प्यारी बेटी की हेल्प भी की अब खुदावत के फसल से ये सेहत याब हो चुकी हैं और तबीयत काफ़ी ठीक है यानि कि अब हमारी प्यारी बेटी जो है शादी के लिए जो है घर वाले कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए इन्होंने रिश्ता भी ढूंढा और मंगनी भी की और उसके बाद अभी चंद दिनों के बाद शादी इसकी हो जाएगी नादरी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा हमारी बेटी जो है जिस तरह आपने बीमारी में इसका साथ दिया क्योंकि आप लोग ही इसके बहन भाई हैं और वो भी लोग वो भी भाई जिनके पास ये रह रही है वो भी इसी जज्बे के साथ इसके साथ चल रहे हैं कि हम इसकी शादी करेंगे मेरा ख़्याल है कि जिस तरह आपने इस बच्ची के लिए सारा के लिए इसकी हेल्प की पैसों की शक्ल में और ये सेहतियाब हो गई तो जिस तरह अब इसकी शादी हुई होने वाली है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शादी के लिए इसका साथ दें इसके बहन भाई बनकर इसके लिए पैसों की शक्ल में या सामान की शक्ल में इसका साथ दें और इसको टोकन ऑफ लव दें ताकि खुदावंत के लिए ये जो हमारी बेटी शादी करने जा रही है एक मुकद्दस रिश्ते में बंधने के लिए जा रही है तो आप इसका साथ ज़रूर दें सारा बेटी की जो शादी की डेट है कि अगले ये अगले माह ये नौवां महीना है और अगले माह दसवां महीना सितंबर अब गुजर रहा है और अक्टूबर में तेईस 2022 में हमारी प्यारी बेटी जो है घर चली जाएगी तो इसके लिए आप इस बेटी का साथ दें और बढ़ चढ़कर इसकी हेल्प करें ताकि फाइनेंशियली तौर पर इस बेटी की कुछ हेल्प हो सके ताकि जो भी खाने के अखराज हैं शादी के ऊपर और कुछ ना कुछ सामान भी लेना है उसके लिए ये प्यारी बेटी उसको परचेज़ कर सके और खाने के लिए नॉर्मल सभी खाना अगर करते हैं तो कम से कम जो है सत्तर से एक लाख का बजट आ जाता है तो मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को मिलकर इस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए ताकि इस बेटी के लिए जो शादी के लिए पिया घर जाने वाली है उस पर इसको फ़ायदा हो जाए मैं सारा से बात करूंगा और से कहूंगा कि आपको ये खुद से रिक्वेस्ट करें और अपने लिए अपनी शादी के लिए दुआ की अपील करें और हेल्प की भी जी सारा बेटा क्या हाल चाल है आपका मसी में सबको बेटा आप हमारी मसीह कौम को कोई पैगाम देना चाह रही हैं मेरा पैगाम ये है कि आपकी वसीला से मैं ठीक हूँ और आपने जो मेरी हेल्प की मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं शादी है मेरी दसवीं महीने की तेईस को और मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है मुझे स्पोर्ट की जरूरत है जिस तरह आ, हमारे मसीही बहन भाइयों ने बेटा आपकी मेडिसिन के लिए जो बीमारी में थी हेल्प की आप चाह रही हैं कि शादी के लिए भी आपकी वहाँ हमारी मसीह कम्युनिटी के लोग बहन भाई जो हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी हेल्प कर सकें आप दोबारा बेटा इसी तरह अपील करें कि मसीह कौम की जो बहन भाई हैं आपकी हेल्प कर सकें मैं आपकी हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे ठीक है और दसवें महीने की तेईस तो को मेरी शादी है और प्लीज़ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे और मैं क्योंकि ये आपके बहन भाई ये हैं मेरे बहन भाई ये हैं नाजरीन जिस तरह हमारी प्यारी बेटी सारा जैन गिल ने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है अपील की है कि दसवें महीने की तेईस तारीख को जो कि 2022 में शादी है उसके लिए ये आपसे अपील कर रही है खुद से कह रही है कि आप मेरे बहन भाई हैं क्योंकि आपने मेरी बीमारी में भी मेरी हेल्प की और जिस तरह आप मेरी शादी होने वाली है तो अब भी आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं अच्छे तरीके से अपनी शादी की तकरीबात को देख सकूं और यही महसूस करूं कि मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं मेरे बहन भाई मेरी मसीह कौम के जो बहन भाई हैं वो मेरे हैं और जिस तरह ये मेरे साथ बीमारी में खड़े थे मेरी शादी में भी इस तरह खड़े हों मेरा ख़्याल है कि सारा जैनी गिल जो मसीह कौम की बेटी है इसकी अपील के ऊपर गौर करें और जितने भी मुखिया हज़रा हैं बैरून मल्क और पाकिस्तान में नीचे नंबर लिखा हुआ है इनका आप इनसे रबता करके जायज़ कैश नंबर है इनका और अगर आपने बाय हैंड भी इनको कुछ देना है तो आप इसी नंबर पर रबता करके हमारी प्यारी बेटी से मिल भी सकते हैं ताकि अगर आपकी अगर ख्वाहिश है कि आपने शादी में भी शिरकत करनी है तो आप इस नंबर पर रबता करके ये भी कह सकते हैं कि हम शादी पे भी आएंगे और वहाँ पर आके अपनी प्यारी बेटी को टोकन ऑफ लव देंगे मैं आप लोगों को दावत दूंगा कि आप इस बेटी का साथ दें और इसकी हेल्प ज़रूर करें जिस तरह पहले की है फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे वो कैमरा मैन तैरा पैराजाजिद जी खुदाफ़ि